कि माँ की अंगूठिया तुम्हारे पास कैसे? मुझे ये रिंग्स किचन के स्लैब पर मिली। बकवास मत करो। माँ कमरे में भी नहीं है। तुमने क्या किया माँ के साथ? नरेन, आपको मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है क्या? यकीन करने का मौका तुम देती कहाँ? और जब सबूत आंखों के सामने, तूने झुटला कैसे दूँ? तो अब सबूत दिल की आवाज से बढ़कर है। कि दिल का ढोंग मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर दिल की इतनी कदर होती तो यूं दिल तोड़कर जाती ही नहीं। बस नरेन, आप तो एक ही बात को पकड़ कर बैठ गए हैं। क्या दूसरा पहलू देखना आपके लिए इतना मुश्किल है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर अंधेरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जरूर मेरी बात में कोई तो सच्चाई, वरना आप इस तरह बौखलाते नहीं। कहाँ जा रही हो? माँ को ढूंढने। पूजा, आप ठीक तो हैं? आप नीचे कैसे गिर गई? और ये अंगूठी, ये किचन में कैसे पहुंची? मैंने रामफल को दी थी साफ करने के लिए। इन पराठों में से तो माँ के हाथ का स्वाद आ रहा है, लेकिन माँ रसोई में कैसे आएंगी? और ये अंगूठी, ये किचन में कैसे पहुंची? मैंने रामफल को दी थी साफ करने के लिए। जरूर माँ ने ही मनोज भैया को अपने तरीके के पराठे बनाने सिखाए होंगे, शायद इसलिए टेस्ट भी सेम आ रहा हो। खैर, आज तो मैं भी हर कुछ नरेन की पसंद का ही बनाऊंगी। नरेन बाबू, आज की दावत हमारी तरफ से। स्वीटहार्ट, आज बहुत सर की मालिश हो रही है। आंटी जी, आप कब आई? एक्चुअली Don't call me auntie, please. Call me mummy. No, it's okay. देखो, actually, I'm sorry. मैंने तुम्हें accept नहीं किया, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा and I realized कि तुम ही मेरे राहुल के लिए best हो। It's okay. बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी तुमसे। हाँ हाँ बोलिए ना मम्मी जी। वो एक्चुअली राहुल ना बहुत शर्मीला टाइप का होला है, इसलिए फर्स्ट स्टेप तुम्हें लेना होगा। पहला स्टेप क्या करना होगा आप ही बता दीजिए मम्मी जी। बस ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें उसके कमरे का, उसके कपड़ों का ख्याल रखना शुरू करना होगा, इससे अपनापन और प्यार बढ़ेगा। ओके जी। तो मैं चलती। अरे नहीं नहीं बैठिए ना, हम आपके सर में ना ये सरसों का तेल लगा देते, आपके बाल जल्दी से लंबे और घने हो जाएंगे। नो नो स्वीटहार्ट,
ये जो सरसों का तेल है इसे तुम ही एंजॉय करो. एंड बाय द वे, दिस इज माय हेयर स्टाइल. इट्स कॉल्ड द क्वींस कट. कितना आसान है यहाँ सबको बेवकूफ बनाना. इतने सारे अरेंजमेंट्स और सब मेरे पसंद का खाना. आज कोई दावत है क्या? तेरी बुआ ने आश्रम से बनाकर भेजा है खास अपने भतीजे के लिए. मैंने तो सिर्फ पराठे बनाए थे, इतनी सारी चीजें किसने बनाई? बहुत दिनों बाद आज मैं आपको अपने हाथ का बना खाना खिलाने वाली हूँ. आई होप आपको पसंद आए. ये नौटंकी कंपनी कहाँ रह गई? दादाजी, आई होप आपने अपनी फेवरेट बहू के लिए होटल से खाने पीने का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन के पहले ये हेडलाइंस छपे कि भूख की वजह से व्यास मैंशन में किसी की मौत हो गई. बेटा नरेन, अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो इस बात की जिम्मेदारी भी तुम ही ले लो. दादाजी, मेरे उनसे कह दीजिए कि मेरी इतनी चिंता ना करें, कहीं मेरी आदत ही ना बिगड़ जाए. चाचा चाची, कहाँ रह गए थे आप? आइए. नहीं नाना बेटा, हम नाश्ता नहीं करेंगे, हमें बाबूजी से कुछ जरूरी बात करनी थी. हाँ कहो. जी बुरा मत मानेगा बाबूजी, लेकिन हम चाहते हैं कि नैना के नाम पे जो मेरठ की फैक्ट्रीज हैं वो आप हमारे नाम कर दीजिए. जी बाबूजी, मयंक बाबू के बाद जो फैक्ट्री नैना को मिली है वो सब आप हमारे नाम कर दीजिए. अरे चाची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे वो फैक्ट्रीज तो हमारे प्यारे मयंक की निशानी है, ऐसे कैसे आपको उठा कर दे दे? हाँ मिस्टर घनश्याम, आपने ऐसे सोचा भी कैसे कि हम ऐसा कुछ करेंगे? माफ कीजिएगा हरीश बाबू, हमारे मन में कोई लालच नहीं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी भतीजी के साथ जो कुछ हुआ वो फिर से ना हो जाए. असल में बाबूजी, मयंक बाबू की फैक्ट्री का वास्तु ठीक नहीं है. वास्तु? ये माफ कीजिए मिस्टर खच्चा, ये सब वास्तु वास्तु, हम इन सब बातों पे यकीन नहीं करते. एक मिनट हरीश, जब मैंने हर चीज का बंटवारा कर ही दिया है तो फिर जिसको जो चीज मिली है वो उसे संभालने दो ना. और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि किसी के मन में किसी किस्म का कोई मलाल रह जाए. तुम्हारा क्या कहना है नरेन? वास्तु कुंडली इन सब चीजों पे मेरा कोई विश्वास नहीं, लेकिन किसी और के विश्वास को क्वेश्चन करने का मेरे पास कोई राइट नहीं. इसलिए अगर नैना के लिए ओके है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बिल्कुल, जीजी को क्या प्रॉब्लम होगी? अब चाचा चाची कोई भाड़े के तो है नहीं, जीजी के बिल्कुल सगे हैं. आई एम श्योर मयंक की अमानत को चाचा चाची बिल्कुल संभाल के रखेंगे. तो भी ठीक है, ये तय रहा कि अगले महीने मयंक के जन्मदिन पर जो प्रॉपर्टी नैना के नाम है वो प्रॉपर्टी उसके चाचा चाची के नाम कर दी जाएगी. आइए बैठिए, बैठो बैठो बेटा बैठो. और भाई नाश्ता शुरू करो, ठंडा हो रहा है.
पूजा बहू, बहुत जल्दी इस मेज पर तुम नरेन की बगल में बैठा करोगी। ये तुम्हारे दादाजी का वादा है। अरे मैडम जी, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? दिमाग तुम दोनों का खराब हो गया है। ये एसी की हवा, ये नौकर चाकर देखकर सच में खुद को इस घर का रिश्तेदार समझने लग गए हो क्या? क्या मैडम जी, एक तो हम आपकी रिश्तेदारी बचा रहे हैं, ऐसे कोई नाश्ते की टेबल पर मखान अपने राम करवाता है क्या? आपको क्या लगता है, हम नरेन से व्यास मेंशन मांगते तो वो हमें थाल में परोस देते? हम सबको सीधे घर के बाहर निकालते। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पे मालती जी ने अपना प्लान बदल दिया। नरेन बाबू आपके साथ साथ हमारा भी रायपुर का टिकट कटवा देते। तुम्हें किसने बोला अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए? तुम्हें सिर्फ मुंह चलाने के पैसे मिलते हैं, समझ में आया ना? क्या मैडम जी, एक तो हमने मामला संभाला और आप हमें ही सुना रही हैं। आपको तो ऐसे मामले में खुद एक्सपर्ट होना चाहिए था। पर आप चिंता मत करें, दिमाग चलाने का हम एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करेंगे। बकवास बंद करो दोनों अपनी। तो तुम दोनों को वापस होटल रहनुमा भेजने का टाइम आ गया, जाना है क्या? अगर आप हमें होटल रहनुमा भेजेंगी ना, तो क्या आप व्यास मेंशन में रह पाएंगी? नकली चाचा चाची को घर लाने की सजा तो आपको भी मिलेगी। इसलिए मैडम जी, थोड़ा तो भरोसा रखिए। आज पहला कदम उठाया है, धीरे धीरे मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। मरो दोनों। अब तो आप खुश हैं मैडम जी, आपने जैसा कहा हमने किया। गुड, अब अगर आप दोनों को फ्रॉड के केस में अंदर नहीं जाना है तो चुपचाप आगे भी मेरा कहा मानते रहिए। ओके? जी जी के चाचा जी, चाची जी। जी मैडम जी। नरेन व्यास, मेरी दी को दीवार के पीछे चुनवाने की कोशिश की थी ना, मिट्टी में दफन होने की बारी अब तुम्हारी। जब से अनुज की नई जॉब लगी है कितने स्ट्रेस में रहते हैं। पॉइजन, कहीं स्ट्रेस के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। अनुज, मैंने तुम्हारा टिफिन बैग में रख दिया और ये लो। बाय। मैम, ये आपके लिए। कहते हैं आज का दिन प्यार करने वालों का दिन होता है। एक प्यार करने वाला तुम्हारी राह देख रहा है, तुम आई तो उसके प्यार को भी अच्छा लगेगा। आप भी अजीब हैं नरेन, पहले तड़पाते हैं और फिर टेढ़े तरीकों से प्यार जताते हैं। नरेन, नरेन, तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो तो ना।
तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है, बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है। नरेन, नरेन आप है कहाँ? ध्यान से ढूंढो, तुम्हारे आसपास ही। आप तो हमारे दिल में बसते हैं, अगर आप बाहर नहीं आ रहे हैं तो मैं तो चली। ऐसे कैसे चली जाओगी जान, अभी तो प्यार का इम्तिहान देना बाकी है। आपके लिए तो मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊं। तो फिर पहचानो इन चेहरों के पीछे का असली चेहरा कौन सा है? इतना सस्ता चैलेंज? हमारी तो आपकी परछाई तक से दोस्ती है। विलन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे। आप कितने भी चेहरे पहन ले नरेन, मुझे नहीं ठग सकते। पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। चेहरा पहचानने में तुम अभी कच्ची हो, डर के लिए ना फिर से, लेकिन अब भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाया। ठगने के बहाने ही सही, आपने मेरे लिए इतना सुंदर सरप्राइज तो तैयार किया। इतनी मेहनत तो कोई बहुत प्यार करने वाला ही कर सकता है नरेन। So guys, मेरा मेरी बीवी के लिए वैलेंटाइन सरप्राइज आपको अच्छा लगा? Yes. Okay, अब मैं कुछ समय अपने जान के साथ अकेले में बिताना चाहता हूँ। So, मासूम का दर्द समझ पाते।